हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, मैं बस में हूँ, आप देख सकते हैं, और मैं जा रही हूँ नागपुर अपने मायके के। तो गाइस, आज ही हमारे यहाँ पूजा थी और आज ही मुझे निकलना पड़ा। मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरा जाना अर्जेंट है। अर्जेंट इसलिए कि मैं 2 साल से मायके नहीं गई थी और इस बार रक्षाबंधन में, और इस बार रक्षाबंधन में सब लोग पापा के यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, इसलिए मेरा जाना ज़रूरी था। तो गाइस, हम पहुँचने वाले हैं। गाइस, देख रहे हैं, ये कन्हान नदी है और इसमें कितना पानी है। ये कभी भी इतना नहीं भरा रहता था, पर अभी देख रहे हैं यहाँ बहुत बारिश हुई है और अभी भी हो ही रही है। आप देख सकते हैं, इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बारिश हुई है। बाकी जगहों में नहीं हुई है, पर यहाँ हुई है। तो गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी मम्मी के यहाँ। दोपहर के 3:30 बज गए हैं और मैं आ गई हूँ अपने मायके नागपुर। नागपुर ही है। गाइस, अब देख सकते हैं, ये मेरी मम्मी है। अब मैं आई हूँ अपनी मम्मी के यहाँ और हम लोग रहते हैं, मेरी मम्मी रहती है नागपुर में। ये नागपुर का है बहादुरा एरिया का नाम है। अब देख सकते हैं पीछे पूरा खाली है, ये नई कॉलोनी बन रही है। देख सकते हैं आप अगल बगल में, इस साइड पूरा भरा है। दिखा रही और मैं पूछ रही किसको दिखा रहे हैं। मैं अपने फ्रेंड्स लोग को दिखा रही हूँ। तो मेरे दोस्त भाई, मैं अपना एक ब्लॉग बना रही हूँ। ब्लॉग में तो जानती है, इससे लोग वाग मेरे को देखेंगे, मेरे दोस्त बाहर बनेंगे, मुझे पसंद करेंगे और लाइक करेंगे। आप देख सकते हैं, इधर पूरी कॉलोनी बनी हुई है। ये हाँ बच्चा, तो ये है मेरे पापा का गार्डन, जिसमें देखिए उन्होंने अपने ज़रूरत की चीज़ें लगा रखी हैं। तो सब्जियां हैं, देखिए ये पूरा एरिया। बादल वाला मौसम है, कपड़े डले हैं, बहुत सारे कपड़े थे सफ़र से, तो वाला धुला है। देख रहे कैसे काले काले बादल छा रहे हैं, पानी गिरने ही वाला है, बूंदे पड़ रही है। और इधर आप देख सकते, पूरी हरियाली छाई है यहाँ, खेत पूरा खेत। पूरा खाली एरिया, मैं इसमें नहाई हूँ। नहा के बाद खाने आई थी, पर बारिश हो रही है। तो जैसे कि आज रक्षाबंधन है और 9 बजे तक सब लोग आ जाएंगे, तो मैं रक्षाबंधन की उसकी तैयारी करती हूँ, तो आपको दिखाती हूँ शाम का। देख सकते हैं, ये भाई बहन भैया भाभी के साथ जबरदस्ती पैसे ले रही हूँ। मैं बोल रही नहीं देगी जब तक मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं।
ये है हमारे पतिदेव, उनकी नई बहन राखी बांध रही है। साइड ऑफ अपडेटेड वर्जन देख सकते हो, कैमरामैन लगे हुए हैं फोटो खींचने में। अभी हमारी बारी नहीं आई है, हमारी बारी आने वाली है। हमारे भ्राताश्री है, बड़े भ्राताश्री जो हमेशा सीरियस रहते हैं। एक भ्राताश्री है जो सीरियस में कॉमेडियन रहते हैं। हमारे माता पिता है जो कि राखी बंधवा चुके हैं अपनी बहन से। ये है हमारी बुआ जो बना रही है गर्मा गर्म भजिया। ए देखो, तो गाइस यदि आपको भी खाना है गर्मा गर्म भजिया तो आ जाइए हमारे यहाँ। और हाँ, आपको मेरा वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू।